सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, जो एक बहुत ही अच्छा पेपर है। इसमें से हम आज आपको पूरा विश्लेषण सहित समझाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से संभावित क्वेश्चन आए। तो इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं और थोड़े टफ भी क्वेश्चन हैं, जिन्हें आप ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 1815 की वियना से संबंध संधि से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? इसे आप सुबह जरूर ही पढ़ करके जाएं। तो इसमें सभी जातियों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। वैसे उसमें है ये कि सभी जातियों से उनकी बराबर शक्ति को साझा किया गया। तो इसमें एक तो क्वेश्चन आवारा संभावित बनता है, और एक है संप्रदायों को समान प्रति संप्रदाय वहाँ थे नहीं, दो ही भाषाएँ थीं, डच और फ्रेंच थे। तो ये पहला ही वाला ठीक है विकल्प। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत के 50% तक क्यों गिर गई? तो ये तो सबको पता है, महामंदी के कारण गिरी गई। ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये जो है अमेरिका में 1944 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और 43 सदस्यों ने इसकी बैठक में हिस्सा लिया था, 43 देश थे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो कठोर संविधान नहीं होता है, बाकी सभी लक्षण संबंधित हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक संविधान का कारण सामाजिक विभाजन का कारण है? तो धर्म भी होता है सामाजिक विभाजन का कारण, और भाषा भी हो जाती है, तो इसमें दोनों हो जाएंगे। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है तो समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका और उनके कार्यों की। लैंगिक विभाजन का मतलब होता है कि महिलाएं घर पर काम करेंगी और पुरुष बाहर से पैसा कमा करके लाएंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सरल क्वेश्चन है, फ्रांस में हुआ। अगला देखते हैं, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो इसमें है जित्सु मैसिनी, या कहीं कहीं पर मैजनी भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये वाला हो गया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि ये नागरिकों को समान बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। दोनों क्वेश्चन ठीक हैं, तो अर्थात सा वाला होगा। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के क्या कारण है? तो इसमें अधिक सिंचाई है क्योंकि वहाँ अधिक सिंचाई से भूमि जो है लवणीय हो गई। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? ये हमने खूब समझाया है, केरल में है, क्योंकि वहाँ जो है शिक्षा की गुणवत्ता जो बहुत अच्छी है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यम का स्वामित्व, मतलब जो वहाँ पर उद्योग लगे होते हैं उनके स्वामित्व के आधार पर। अगला है भूक्षरण से क्या आता है? भूक्षरण का मतलब होता है जब भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, भूमि में कुछ भी उपजेगा नहीं, तो उसे यही उसका विकल्प हो जाए। गोंडवाना कोयले का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है दामोदर नदी घाटी में। ठीक है, महानदी में भी पाया जाता है, सोन में भी पाया जाता है, अर्थात चंबल में नहीं पाया जाता। इसका विकल्प दा वाला सही होगा। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो विकास का लक्ष्य उन्हें, देखिए विकल्प को समझ करके समझना है। ग्रामीण मजदूरों को उपज कुछ पैदा नहीं करेंगे तो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। ज़्यादा ए बी वाला विकल्प, बच्चों को विदेश में बसा सकें, ये भी विकल्प नहीं ठीक हो। उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि अधिक मजदूरी मिले और काम के दिन ज़्यादा हों, तो अधिक मजदूरी वाला विकल्प सही होगा। निम्नलिखित से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, यही नहीं है, अर्थात वो जो व्यापार अवरोधकों को हटाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये जो है परंपरागत कोयला हो जाएगा, ये भूतापीय ऊर्जा जो है नहीं है। ठीक है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें सभी हो जाएगा, एक सब सारे विकल्प इसमें ठीक है। अब देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए कितने घुमा घुमा करके क्वेश्चनों को रखा गया है, और इसी प्रकार से सुबह मिलेंगे भी ये क्वेश्चन। सुबह जरूर पढ़ के जाना, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, ये पढ़ के जाना, जरूर इसमें से आएगा। और ये सारे क्वेश्चन आप देख लें। अगला ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें भरा होगा, नक्शा वाला काम। तो नक्शा में देखिए, ये देखते हैं इसमें जो है लिखा है कि निम्नलिखित स्थानों को रेखाचित्र मानचित्र में इस आधा नंबर जो है आपको सही जगह भरने के लिए, और आधा नंबर जो वहाँ पर स्थान लिखने के लिए मिलेगा। वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये तो सबको पता है अमृतसर में हुआ। अमृतसर कहाँ पर है नक्शे में, ये देखिए। वो स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, डांडी में, साबरमती आश्रम से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और डांडी तक की थी। ठीक है, वो स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले, इसमें राजकुमार शुक्ला थे, चंपारण जिला है, और कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। वो स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, अहमदाबाद में किया। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। ये सारे आपको जगह पता होनी चाहिए। वो स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो नागपुर में हुआ।
ठीक है। अब देखिए ये तो इतिहास से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके बाद दो नक्शे आपको कल मिलेंगे, और दूसरा नक्शा मिलेगा ये वाला पश्चिम बंगाल का उद्यान चिन्ह द्वारा, और इस तरीके से आपको वहाँ जहाँ पर भी ये उद्यान भरेंगे वहाँ पर ये चिन्ह बनाएंगे। तो पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा सुंदरबन, ठीक है, नर्मदा नदी पर मंधा बांध, ये सबको पता है, सरदार सरोवर है गुजरात में है, महानदी चिन्ह द्वारा तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के राज्यों में बहती है, वहीं पर आप इस तरीके से निशान लगा देंगे। झारखंड का कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा भर देंगे, और ये वाला जो है झारखंड जहाँ पर है वहीं पर भर देंगे कोयले का। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, पूर्वी तट पर जो है इस साइड वाला हो जाएगा, ठीक है, और उस साइड में कोलकाता पड़ेगा, पारादीप पड़ेगा, ये वाले यहाँ पर भर देंगे।